इस वीडियो में मैं सीखने वाला हूँ कि किस तरह हम बिना चाबी की मदद से सिर्फ इन पिन से लॉक खोल सकते हैं। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। तो मैंने YouTube पर कई सारी वीडियो देखी जिसमें बताया कि किस तरह हम सिर्फ एक पिन की मदद से लॉक को खोल सकते हैं। तो उसमें जो सबसे कॉमन आइडिया था वो चलो हम करके देखते हैं। अभी हमें कुछ नहीं करना, सिंपली एक पिन लेनी है। अब हमें इस लॉक को करीब इस तरह से कुछ पकड़ना है, उसके बाद फिर इस पिन को हमें इसके अंदर डालकर 8 बार क्लॉकवाइज और 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिसके बाद ये लॉक खुल जाएगा। तो चलो वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये रहा हमारा ताला, अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ। तो ये मैंने इसे लॉक कर दिया है। अब मैं सिर्फ इस पिन की मदद से इसे खोलूँगा। हमें करना कुछ नहीं, बस ये पिन लेनी है, इसे अच्छे से इसके अंदर फिक्स कर देना बिल्कुल इस तरह से, और फिर 8 बार हमें इसे क्लॉकवाइज घुमाना है और 8 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए मैं ये करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार क्लॉकवाइज, 8 बार एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 8
पिन से स्लोक को खोल सकते हैं। अच्छा अब तो सच बोल दे भोस। अरे भाई भाई मजाक था। तो YouTube पर जितने भी मैंने इस तरह के वीडियो देखी जिसमें सिर्फ एक पिन की मदद से लॉक को खोल के उन्होंने बताया, मेरे हिसाब से तो वो सारी वीडियो फेक थी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग किस तरह आपको पागल बनाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले लॉक को ऐसे बंद करके कुछ इस तरह से पकड़ लेना इस अंगली पर जोर दे के, और फिर इसको लेकर कुछ भी करो, इसको घुमाओ कुछ भी करो आपकी इच्छा। और जब आपका हो जाए उसके बाद यहाँ से अंगली को छोड़ देना और ये लॉक खुल गया। गजब टूबी बाज आदमी। सो गाइज मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक नाजुक सी पिन से हम इतना बड़ा लॉक खोल सके। अगर आपको ऐसा कुछ पता हो तो मुझे कमेंट कर बताइएगा। और हाँ, जो भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखी थी वो सारी फेक थी, और जो भी हमें मूवीज में बताया जाता है वो तो ऑफकोर्स फेक ही होता है। तो अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, और आगे भी ऐसी और चैलेंजिंग वीडियोस आती रहेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।